हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली दिनों में सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंचेगा। टाइम से नहीं पहुंचने से फिर क्या होगा, चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पर प्रमोटर्स खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और खरीद रहे हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और खरीद रहे हैं, मतलब तीनों खरीद रहे हैं भाई, एक दो तीन, तीनों मतलब हर जगह जिनको जहाँ सही लग रहा है वो वहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं, ये लोग बैठे हुए नहीं हैं। तो मैं वो दो तीन कंपनी है उनका मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताऊँगा और ये लोग कहाँ कहाँ खरीद रहे हैं ये आपको पता चलेगा, ट्रैक रखना होगा हमें। कंपनी का नाम देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी शायद हाल फिलहाल में आया है, ठीक है, और पहले तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ पे देखिए 74% का था, नीचे से 94 और ऊपर से ये स्टॉक लगभग 27% गिरा हुआ। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत मेहरबान है इस कंपनी पे। देख लीजिए, यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा। यहाँ पर देख लो, ऑलमोस्ट 30% इन्होंने खरीद लिया, 30% इन्होंने खरीद लिया, जो कि पब्लिक के पास पहले कितना था, 29%, और इनके पास हुआ भी 19%। कंपनी के पास 500 करोड़ से भी ज़्यादा रिजर्व है और केवल 300 करोड़ के आजू बाजू कंपनी के पास बोरोइंग है, इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए कंपनी जो है काम करती है, और नई नई कंपनी, तो मुझे लगता है कंपनी अभी नई नई है तो टाइम हमें देना पड़ेगा। एकदम से तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी जिस लेवल पर आई है अगर थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, हमारे लिए। अगर यहाँ से जिस करंट मार्केट प्राइस पे आपको स्टॉक देखने को मिला, यहाँ से अगर 20% और स्टॉक गिर जाता तो समझो, तो कि समझिए आप लोग कि हमारे लिए ये एक अच्छी खबर ही हो जाएगी साबित। और ये कौन से सेक्टर में काम नहीं करता सर, पावर, रेल, मतलब एयर स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिजिटल, टेलीकॉम इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, सारे फील्ड में। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि अभी स्टॉक चल नहीं रहा, टाइम लगेगा सर चलने में चीज़ों को। देख लीजिए, बहुत सारे ये सारे फील्ड में कंपनी जो है काम करने की कोशिश करती है, एक दो नहीं सर, हर जगह कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है। लखोटिया पॉलिएस्टर इंडिया लिमिटेड 31 रुपीज़ के बाजू में देखने को मिला और जब से ये स्टॉक आया है थोड़ा देखिए अभी गिरावट पे आपको देखने को मिला, ठीक है, गिरावट पे है, गिरा हुआ स्टॉक आपको देखने को मिला। लखोटिया पॉलिएस्टर इंडिया लिमिटेड 31 रुपीज़, बहुत छोटी कंपनी है सर, याद रखिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल देता हूँ यहाँ पर बहुत छोटी कंपनी है। और यहाँ पर देखिए, कंपनी के पास पहले 31% हिस्सेदारी था, फिर 33% हिस्सेदारी कर लिया और अभी 72% कंपनी ने हिस्सेदारी अपना बढ़ा लिया। 7 करोड़ का डेट है कंपनी के पास और 7 करोड़ का रिजर्व है, मतलब दोनों इक्वल, कंपनी डेट फ्री आप मान के चलो, फिर रिजर्व है और डेट है, मतलब दोनों इक्वल ऐसा है, मतलब कंपनी डेट फ्री, और कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही है। आप देख रहे हो ट्राइडेंट आजकल के डेट में किस कदर परफॉर्म कर रहा है, 25 रुपये से 50 रुपये के बाजू में होना जा रहा, इसलिए मतलब टेक्सटाइल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये बहुत छोटा कंपनी है, मैं आपको बोलूँगा ये लाखों में क्यों कमाता है, केवल लाखों में ये कंपनी कमाता है, देख लीजिए 46 लाख, यहाँ पे अभी लॉस 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 ही है, फिर कभी 22 लाख रुपीज़, तो ये बहुत छोटा पेन स्टॉक है। तो ये कुछ ऐसे कंपनी थे जहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो कहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर और छोटे छोटे कंपनी में ये लोग अपना रुचि दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ऐसा था।